सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है यार कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की ये जो कहानी है वो बिल्कुल अलग होने वाली है और आप लोगों को भी मुझे उम्मीद है कि बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मुझे हॉरर स्टोरीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद है और आपको भी पसंद है। तो मैं ऐसे ही वेबसाइट्स पे सर्च कर रहा था तो मुझे द इंडियन पैरानॉर्मल पॉडकास्ट के बारे में पता चला, जो कि 8 एप्लीकेशन पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो उसका एक एपिसोड द इंडियन पैरानॉर्मल पॉडकास्ट का, वो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि यार पर्सनली मुझे ये फील हुआ कि आप लोगों के साथ ये जो एपिसोड है मुझे शेयर करना चाहिए। तो आज आपको मेरे चैनल पर वो एपिसोड लाइव सुनने को मिलेगा और कमेंट में बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, समय को बर्बाद ना करते हुए सुनते हैं आज की ये डरावनी कहानी। कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिनसे शायद छुटकारा पाना ना के बराबर संभव होता है। जो आत्माएं भगवानों से भी परे होती हैं, जिनसे शायद कोई भी नहीं बच सका है, वो एक ऐसे बच्चों की आत्माएं होती हैं जो इंसान को परेशान करती हैं, उसको पीढ़ियों तक सताती हैं और साथ ही साथ कोई भी भगवान या तांत्रिक उन्हें सही नहीं कर सकता। राहुल, अपने पहले डिस्कशंस में हमने कच्चा कलवा का डिस्कशन किया था आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। आज तो ये जो एंटिटी है जिसे हम मुंजा के नाम से जानते हैं जी, जिसे आप मेरे ख्याल सबसे खतरनाक एंटिटी मानते हैं, बिल्कुल, तो ये भी एक छोटे बच्चे की अप्रेत या आत्मा रहती है। तो क्या फर्क होता है अर्श, मुंजा में और कच्चे कलवे में? मुंजा और कच्चे कलवे में एक बहुत बड़ा अंतर ये है कि मुंजा जो है वो किसी बच्चे की अस्थियों को उठाकर उसके साथ अलग क्रिया करके कोई तांत्रिक, यानी कोई मसान जगा कर कोई तांत्रिक उस बच्चे से काम ले तो उसे कच्चा कलवा कहते हैं। लेकिन अगर कोई ब्राह्मण का लड़का जो 12 वर्ष की अवस्था में अपने यज्ञोपवीत संस्कार, जो उसका मुंडन संस्कार होता है, उस संस्कार से पहले मर जाए अकारण, तब वो मुंजा बनता है। मुंडन से ही मुंजा शब्द का उद्भव हुआ है। तो अर्श, क्या वजह है कि मुंजा इतना खतरनाक होता है? देखिए, बात ऐसी है कि पहली बात तो ब्राह्मण कुल, दूसरी चीज की उसको ज्ञान होता है चीजों का। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि वो एक ऐसी आत्मा होती है, वो एक ऐसी एंटिटी होती है, ऐसे ब्रह्म होते हैं वो एक, जो हनुमान चालीसा भी चैंट कर सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं, हनुमान चालीसा भी चैंट कर सकते हैं? एक ऐसे घोस्ट जो हनुमान चालीसा का उच्चारण भी कर सकते हैं। आपने कभी कोई मुंजा वाला केस हैंडल किया अर्श? मुंजा केस बताने से पहले राहुल, मैं ये बताना चाहूंगा कि जितने भी हमारे लिसनर हैं, ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये शायद बहुत अलग रहेगा सबके लिए, क्योंकि मुंजा एक ऐसी ताकत है कि उससे बचने के लिए अगर आप मंदिरों में भी जाएंगे ना तो वहां पर भी वो आपको पजेस करेगा ही करेगा। और मुंजा की एक खास आदत है कच्चे कलवों की तरह कि वो पजेस नहीं करेगा, वो परेशान करेगा। और ऐसी एंटिटीज को राहुल कभी भी भगाया नहीं जा सकता। तो उसका क्या इलाज होता है? इनका सिर्फ एकमात्र इलाज है और वो इलाज है उनको शांत कराना, उनसे माफी मांगना। ओके, जरा सोचिए, एक स्पिरिट, उससे आप माफी मांग रहे हैं कि यहाँ से चले जाओ, वो भी अगर उसका मन हुआ तो वो वहां से जाएगा, अदरवाइज वो नहीं जाएगा वहां से। मैं आपसे ये पूछने वाला है, तो माफी मांगने से क्या मुंजा माफ कर देता है? देखिए, जैसे बच्चे होते हैं, अगर वो कोई चीज खेल रहे होते हैं या कोई चीज कर रहे होते हैं, उनका दिमाग भी बिल्कुल सेम वैसा ही होता है। अगर आपने किसी चीज की माफी मांगी और उनका मन हो गया उन्हें माफ करने का, तो वो कर देगा माफ। लेकिन अगर नहीं हुआ तो वो माफ नहीं करेगा। आपको एक ब्राह्मण के बच्चे की आत्मा दिखेगी जिसके सर में एक चुटिया होगी, बाल नहीं होंगे सर पे, चेहरा पूरा सफेद और आंखें पूरी काली, एक ऐसी एंटिटी जो केवल धोती में रहती है और जनेऊ धारण होती है। तो अगर मुंजा किसी का पोजीशन कर ले या उसको परेशान करे तो उसका कोई इलाज होता है? आप ये कह सकते हैं कि मुंजा अगर किसी के घर में आ जाए तो क्या होगा? एग्जैक्टली, मुझे मेरे ही मोहल्ले में एक घर है जहाँ पर मुंजा है। आपके मोहल्ले में? मेरे ही मोहल्ले में, मेरे ही एरिया में। मैं एरिया डेफिनेटली नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन उस एरिया में आज भी वो मुंजा रहता है उस घर में, और उस घर को करीबन 7 पीढ़ियों से वो परेशान करे हुए है।
सात पीढ़ियों से। आप सोच सकते हैं कोई इस जन्म में अगर कोई परेशान करे तो एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन वो सातों पीढ़ियों तक पीछे रहता है जब तक उसका अपना औचित्य पूरा ना हो जाए, अपना मकसद पूरा ना हो जाए। नॉर्मली ऐसी जो प्रेत होते हैं, जो इस तरह की एंटिटीज होती हैं, इनका मकसद क्या होता है? देखिए, मुंजा का ऐसा है कि वो अपनी मर्जी से आते हैं। मुंजा को लाने वाला कोई तांत्रिक, कोई ब्राह्मण हो ही नहीं सकता। बहुत मुश्किल से अगर कोई अघोरी सिद्ध कर ले, आप मेरे वर्ड को मार्क करिएगा, बहुत मुश्किल से कोई अघोरी इतना बड़ा इंसान वो सिद्ध कर ले और वो मुंजा को भेज दे तो ही मुंजा पीछे लगता है। यानी उस घर के पीछे बहुत सारी ताकतें लगी होंगी तब जाकर वो मुंजा उस घर को पजेस करेगा। तो अर्श, जैसे कि एक जैसे जिन के बारे में जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे जी, तो देयर इज अ गुड जिन, देयर इज अ बैड जिन। एक अच्छा जिन होता है जो आपकी मदद वगैरह करता है, बुरा जिन होता है जो हाँ आपको डराता है। तो उसी तरीके से क्या एक अच्छा मुंजा या एक बुरा मुंजा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि राहुल एक शरारती नटखट बच्चा है, तो अब मैं आपसे उसका नेचर पूछूंगा अच्छा या बुरा, तो आप क्या बताओगे? चंचल बताओगे आप। चंचल, तो ऐसे ही मुंजा भी होते हैं। अच्छा, मतलब इंटेंशनली आपको वो हर्ट नहीं करना चाहते, बन का नेचर ही वैसा है। नेचर ही वैसा है। जिस घर की बात मैं कर रहा हूँ राहुल, वहां पर मैं जब करीब 10 साल का था, जब मैं छोटा था, स्कूल से पढ़ के जब भी मैं वापस आता था तो उसी घर से वापस आता था, मेरे ही मोहल्ले में वो घर पड़ता था बीच मुंजा वाला। तो एक दिन मैं वापस आ रहा था अपना बैग लिए और मैंने देखा कि वहां पर 8 लाशें पड़ी हुई है। एक्चुअल में, असल में 8 लाशें हैं और मोहल्ले के सारे लोग वहां पे इकट्ठा हुए। तो छोटा था तो इतना तमीज भी नहीं थी और इतना ज्यादा पता भी नहीं था, तो मैंने बस देखा, वहां से निकल गया। मैंने घर आके मम्मी से पूछा कि आखिर ये क्या था, तो उन्होंने बताया कि उस घर में एक साथ मौत हो गई है। एक साथ 8 मौतें हो गई ऐसा करके। और ये होने के बाद जब मैं दोबारा से करीब, मुझे याद है मैं रहा होऊंगा 15-16 साल, 4-5 साल और बीते होंगे, मैं जब वहां से निकला, क्योंकि मोहल्ले में ही था तो उस जगह से निकलना बहुत आम सी बात थी, जब मैं वहां से निकला तो मैंने देखा 4 लाशें फिर से एक बार सफेद चादर में वहीं पर। मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं चीजें खटकी तो जरूर, पर मैंने कुछ पूछा नहीं। आफ्टर दैट जब मुझे अध्यात्म का ज्ञान हुआ थोड़ा बहुत, जितना भी मुझे है, जितना मेरे गुरुओं ने मुझे सिखाया, उसके बाद करीबन जब मैं 24 साल का हुआ तब मैंने जाकर वहां पर यही नजारा फिर देखा कि 5 लाशें एक साथ पड़ी हुई हैं। मैंने उनसे पूछा कि आखिर यहाँ पर, मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, जब भी मैं देखता हूँ कभी कभी यहाँ पर लाश गिरी रहती, मतलब ऐसा क्यों होता है? उन्होंने कहा कि इस घर में मुंजा है। मैं समझ नहीं पाया। मैंने उनसे कहा कि मुंजा क्या कोई ताकतवर प्रबल जिन है, प्रबल आत्मा है, प्रबल शक्ति है? तो उन्होंने कहा कि मुंजा एक ऐसी चीज होती है जो अगर किसी के घर में लग जाए तो पीढ़ियों तक परेशान करेगा। तो मैंने पूछा कि जो मरे हैं वो कौन थे? तो उन्होंने कहा कि जो मरे हैं वो अननोन लोग थे। अननोन लोग, हाँ, और उनकी गलती बस एक ये थी कि वो उस घर में आ गए थे। इतनी सारी चीजें सुनने के बाद अब मैंने नोटिस करना शुरू कर दिया कि उस घर में एक्टिविटी एक्चुअली में हो क्या रही थी। वहां पर जो पुलिस थी, मैंने उनसे भी पूछा तो उन्होंने बोला कि पोस्टमार्टम रिकॉर्ड हम लोग तुमको नहीं बता सकते, किसी को भी नहीं बता सकते। इनफैक्ट उनका शायद अपना कॉन्फिडेंशियल होता रहेगा कुछ। उसके बाद जब मैंने कई लोगों से पूछा कि आपने जब लाश देखी, क्योंकि लोगों ने ही निकाली बाहर, उन्होंने बताया कि एक लाश के कान में चाकू घुसा हुआ था पूरी तरीके से। हाँ, एक लाश अपनी आंख में चम्मच घुसेड़े हुई थी, मतलब जो फोक आता है ना वो उनके पूरी आंख में घुसा हुआ था। एक लाश ने अपने पूरे बदन पर ब्लेड से निशान लगा रखे थे। तो इतनी इतनी ब्रूटल डेथ होती थी वहां पर कि वो थोड़ी एक जगह ऐसी थी कि वहां का पॉलिटिशियन बहुत स्ट्रांग था, तो ये सब न्यूज कभी बाहर नहीं जाती थी। तब मुझे बाद में पता चला कि वहां किसी मुंजा का पोजेशन है। मेरा दोस्त रहता था उस घर के ठीक बगल में, ऋषभ नाम था मेरे उस दोस्त का। मैंने सोचा कि मैं उस दोस्त के घर में जाऊं और उस बगल वाले घर में, क्योंकि दोनों छत आपस में जुड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा इस घर में जाकर एक बार खोजबीन करते हैं कि आखिर है क्या। बीइंग एज अ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एंड रिसर्चर, मैं वहां पर चला गया। हालांकि मुझे इतना ज्यादा ज्ञान नहीं था चीजों का, स्टिल मैं वहां पर चला गया अपने दोस्त ऋषभ के साथ में। जाने के बाद एक जाल बना हुआ था जिससे नीचे का घर दिख सकता था। छतों में मोस्टली जाल बने होते हैं जिससे आप नीचे घर में देख सकते हैं ऐसा करके, और वो घर काफी टाइम से खुला भी नहीं था, वीरान था काफी टाइम से, मतलब कुछ महीने बीते होंगे। मैंने ऊपर से देखा तो जाल के नीचे मुझे कुछ नहीं दिखा। मैंने अपने दोस्त ऋषभ को बोला कि उधर से निगरानी करते रहो कि तुम्हारे घर से कोई ना आए, कि मैं इधर फांदा हूं या फिर मैं चीजें इधर देख रहा हूं। उसने वही किया। दोबारा मेरी नजर जब मैंने राहुल घुमाई जाल की तरफ, तो नीचे मैंने देखा कि 3 बच्चे कुछ खिलौने से खेल रहे थे। मैं थोड़ी देर के लिए सरप्राइज हो गया, पर इन सब चीजों में मैं था तो मुझे थोड़ा नॉर्मल लगने लगा।
द मोमेंट मैंने वहां से हटने की कोशिश करी है, उन तीनों ने एक साथ ऊपर देखा है। वो तीनों बाल से गंजे थे, सिर्फ एक चुटिया थी, जैसा एक ब्राह्मण का बच्चा होता है। और उन तीनों की आंखें पूरी तरीके से काली थी, और ऊपर की तरफ देखकर उन्होंने इतनी जोर से मुंह खोला है कि मेरे दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई। और ये देखने के बाद मैं बेहोश हो गया हूँ राहुल। बेहोश हो गया? एज अ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट मैं खुद बता रहा हूँ कि मैं बेहोश हो गया हूँ। मैं बता भी नहीं सकता कि उस वक्त मेरे जहन में क्या हो रहा था। द मोमेंट मेरी आंखें खुली है राहुल, मैंने देखा है कि मैं खून में पड़ा हुआ हूँ। मेरे आसपास खूब सारा खून है। मैं उठा हूँ तो देखा है कि कॉर्नर में ऋषभ नहीं है, कॉर्नर में एक बच्चा बैठा हुआ है, धोती पहनकर, जो होती है उनकी प्रॉपर। और जब मैंने बात करने की कोशिश करी, उसके पास गया, तो उसने मुंह ऊपर कर मंत्रोच्चारण करना शुरू कर दिया। एक अलग तरह का मंत्रोच्चारण जो मैं शायद आपको बता भी नहीं सकता। द मोमेंट उन्होंने मंत्रोच्चारण किया, मेरे दो कदम पीछे मैं हटा हूं, और मैंने देखा है कि जो नवजात शिशु होते हैं जिन्हें हम भ्रूण कहते हैं, उनकी लाशें पड़ी हुई है मेरे चारों तरफ। भ्रूण की लाशें? भ्रूण की लाशें पड़ी हुई हैं। अगेन ये देखने के बाद मैं बेहोश हो गया। इन ऑल जब मैं आंख खोला हूं तो मैं ऋषभ के घर में था, और ऋषभ के घर में ऋषभ ने बताया कि मैं वहां पर करीबन एक घंटा बेहोश पड़ा रहा। मुझे उठाने के लिए राहुल कम से कम 7 लोग लगे हैं। 7 लोग? मैं इतना भारी हो गया था कि मुझे कोई उठा नहीं पा रहा था। इसके बाद मैंने अपने गुरु से ये सारी चीजों के बारे में विस्तार से बताया। तब मेरे गुरु ने ये बताया कि उस घर में मुंजाओं का साया है, एक मुंजा नहीं, करीबन 3 से 4 मुंजा। मैं थोड़ा सोच में पड़ गया कि ऐसे कैसे। उन्होंने कहा कि मुंजा जो होते हैं वो भ्रूण की तलाश में रहते हैं, बच्चों की तलाश में रहते हैं जो पैदा हुए होते हैं, और जब उन्हें 100 भ्रूण मिल जाते हैं, 100 तामसिक भ्रूण मिल जाते हैं, तब एक मुंजा का निर्माण वो करते हैं। इस तरह से वो मुंजा बढ़ते ही जा रहे थे, और सोचिए कितने टाइम से वो लोग कर रहे होंगे। 3 मुंजा थे उस घर में। कुछ समय बाद मुझे न्यूज मिलती है कि वहां पर एक नया परिवार रहने आया है, जो थोड़े धार्मिक थे, थोड़े क्या, बहुत ज्यादा ही धार्मिक थे इनफैक्ट। और उन्होंने उस घर में आते ही आते एक हवन कराने के लिए पूरे मोहल्ले को न्योता दिया है। चक्रबंधन हवन नाम से उन्होंने एक हवन कराया था, जहां पर वो आत्माओं को बांध देते हैं। उस हवन में 8 तांत्रिक थे और 1 अघोरी शामिल थे। सोचिए इतने सारे लोग एक साथ। कथा में न्योता में एक पेपर मिला था, उस पेपर में यह लिखा हुआ था कि कोई भी इंसान नहा धोकर नहीं आएगा। नहा धोकर नहीं आएगा? बिल्कुल। इंसान गंदी चप्पल लेकर आएगा, और ऐसा आएगा कि उसे एक बार पेशाब जाना ही पड़े। पूरा तामसिक हवन था वो एक तरीके से। और ये होने के बाद जब हम लोग उस कथा में गए हैं, तो राहुल मैंने देखा है कि एक त्रिपुंड है, एक 3 कोने का एक कुंड है जिसमें आग जलाई गई है। एक अघोरी बीच में बैठे हैं, 8, 4 तांत्रिक इधर, 4 तांत्रिक इधर, और सब एजेड, जो बहुत ज्यादा उम्र के थे करीबन। इसके बाद मैंने देखा कि वहां पर उनके परिवार के कुछ लोग बैठे थे। एक कमरा था जो खुला हुआ था पूरी तरीके से, एक हॉल था जिस हॉल में हम लोग बैठे थे। मोहल्ले के कुछ लोग तो डर के मारे आए नहीं, लेकिन बाकी कुछ लोग आए मदद करने, ताकि वो मोहल्ले में जितनी भी बुरी चीजें हो रही उसे बंद करवा सके। इसके बाद राहुल हवन शुरू हुआ। हम सबके हाथ में एक एक मांस का टुकड़ा दिया गया। किसके मांस का? मुर्गे के मांस का, बेसिकली एक एक मांस का टुकड़ा दिया गया, और बोला कि जैसे ही आप लोगों को कोई आवाज सुनाई दे, ये टुकड़ा उस कमरे की तरफ फेंक देना। इतना सुनने के बाद हम सब अवेयर हो गए, और मैं जो कि इन सब चीजों में बहुत ज्यादा था, वहां पर एक नॉर्मल पर्सन की तरह सुन रहा था या समझ रहा था चीजों को। इसके बाद कथा चालू होती है, वो हवन चालू होता है। कथा भी नहीं थी, वो एक हवन था एक तरीके का। उस हवन में मैंने देखा कि वो लोग एक बहुत बड़ा सा और बहुत काला सा मुर्गा लाए। वैसा मुर्गा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। कड़कनाथ बोलते हैं उसको एक तरीके से, उस मुर्गे का। हाँ, कड़कनाथ उस मुर्गे का नाम होता है जी। उस मुर्गे को लाए। जितने भी तांत्रिक थे उन सबके हाथ में उल्लू के एक पंख था, और उससे बार बार वो लोग उस मुर्गे की तरफ इशारा कर रहे थे। कुछ अग्नि जल रही थी, अग्नि के अंदर उन्होंने चंदन का लेप बनाकर कुछ डाला। मुझे नहीं पता कि वो क्या था, ना उन्होंने बताया। ये सब बताने के बाद राहुल करीबन 15 मिनट बीते होंगे उनके मंत्रोच्चारण के, कि अचानक से वहां बैठी सारी औरतों के पेट में दर्द होने लगा। बहुत पेन? हाँ, बहुत बहुत ज्यादा पेन होने लगा, ऐसा जैसे उनको कोई बेबी होने वाला है। और बार बार वो यही कह रही हैं सारी औरतें एक साथ कि मेरे बच्चे को मत मारो, मेरे बच्चे को मत मारो। जबकि कुछ लेडी ऐसी भी थी जिनको बच्चा हो चुके हैं और अब नहीं होना है उनको। ऐसा नजारा राहुल की आंखें चौंक जाए, घबरा जाए दिल पूरी तरीके से।
सारी औरतें एक साथ रो रही हैं, एक साथ उनको दर्द हो रहा है। और करीब 10 मिनट तक ये दर्द रहा। जब हमें लगा कि वो दर्द हो रहा है तो हमने सारे मांस के टुकड़े उस कमरे की तरफ फेंक दिए, और जैसे ही उस कमरे की तरफ फेंके इनको दर्द खत्म हो गया। इसके बाद उस मुर्गे को सबके सर के ऊपर रखकर कुछ मंत्रोच्चारण करा गया और उस अग्नि में डाला गया। द मोमेंट उस अग्नि में उस मुर्गे को डाला गया है जिंदा, हमें बार बार ऐसा लगा कि जैसे कोई बच्चा करधनी पहनता है ना कमर में, और हाथ में वो पहनता है जो बजता है, तो झुंझुना टाइप का, हमें ऐसा लगा कि चारों कोनों से, चारों दीवालों से ये आवाजें आ रही। कोई बच्चा रेंग कर हमारी तरफ आ रहा है, बार बार, बिल्कुल बार बार ऐसा लगा। थोड़ी देर के बाद ये आवाजें और तेज होने लगी राहुल, और बहुत जोर जोर से मंत्रोच्चारण होने लगे एक बच्चे की आवाज में, जो शायद एक बच्चा और एक शैतान दोनों मिक्स था। वो मंत्रोच्चारण होते रहे होते रहे, और फलस्वरूप दो तांत्रिकों की वही मौत हो गई। जो आपके साथ आए थे? मेरे साथ नहीं थे, वो लोगों को बुलाया गया था। दो तांत्रिकों की वही मौत हो गई, और ये सारे लोग वहां पे खड़े हो गए, अघोरी समेत सारे लोग। उन्होंने कहा कि इस घर को कभी ठीक नहीं किया जा सकता। और ये सुनने के बाद उन्होंने सबको एक एक रक्षा कवच दिया, बोला इस घर से निकलते वक्त इसको पीछे फेंक देना और मुड़कर मत देखना इस घर को। वो सारे तांत्रिक बाहर निकले अघोरी के साथ, हम लोग बाहर निकले। हम लोगों ने उस छोटे से धागे को पीछे फेंका, और इसके बाद हम लोग वहां से जाने लगे। हम लोगों ने यह भी नहीं देखा कि उन तांत्रिकों ने या अघोरी ने क्या किया। अगले दिन जब मैं उस गली से गुजरा तो मैंने देखा कि एक बड़ा सा त्रिशूल सामने गेट पर लगा हुआ है, और उस पूरे घर पर जगह जगह आटे और सिंदूर का लेप है। और आज भी राहुल वो घर वैसे का वैसा ही है, उतना ही हॉन्टेड, उतना ही खतरनाक। जरा सोचिए, जितने तांत्रिकों की मैंने बात करी, जितने अघोरियों की मैंने बात करी, तांत्रिक और अघोरी मिलकर आत्मा को ना रोक पाए एक ऐसी आत्मा, जरा किस पराकाष्ठा, किस लेवल पर होगी, जरा ये सोचिए। दोनों की डेथ भी हो गई। बिल्कुल, और यही है मुंजा। ये एक्चुअली उतना ही डेंजरस था जितना आपने बताया। आई मीन, मुझे सुनते टाइम ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं कोई फिक्शनल कंटेंट, लाइक जैसे कुछ मैं ट्वाइलाइट टाइप का कुछ देख रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ट्वाइलाइट से मुझे याद आया, अर्श एक एंटिटी होती जिसे हम वैम्पायर्स बोलते हैं। तो अर्श, ये क्या वैम्पायर्स जैसा कुछ हमारे कल्चर में भी होता है? और राहुल, अगर मैं ये कहूँ कि वो होते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड जरूर पसंद आया होगा। और अगर आप ऐसे ही एपिसोड्स और सुनना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पे मैंने एड एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है, आप वहां से डाउनलोड करके द इंडियन पैरानॉर्मल पॉडकास्ट को पूरा सुन सकते हैं, जिसमें 100 से भी ज़्यादा ऐसे ही डरावने एपिसोड दिए गए हैं। तो दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से डाउनलोड करके आप और भी अदर स्टोरीज को एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।